और दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके यूपी एडेड जूनियर एग्ज़ाम के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो किसी भी प्रकार के जॉब अपडेट, वैकेंसी अपडेट या रिजल्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारा चैनल नेटीज एंड ट्यूटर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि आने वाली कोई भी न्यू अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपके यूपी एडेड जूनियर, जिसमें कि आपको पता है काफ़ी कम वैकेंसीज होने की वजह से छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इसमें जो आपकी टोटल वैकेंसीज हैं फ़िलहाल में, वो 1854 वैकेंसीज हैं, 1894 वैकेंसीज हैं आपकी टोटल फ़िलहाल। और इसमें जो आपके कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, वो हैं आपके 42 to 43,000 कैंडिडेट इसमें शॉर्टलिस्टेड हैं। तो यहाँ पर जो आपकी कंपटीशन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यही डर है, और डर नहीं दोस्तों, ये सही भी है कि अगर वैकेंसीज इंक्रीज़ नहीं होती हैं तो कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा इजाफा आपको देखने को मिलने वाला है। काफ़ी इंक्रीमेंट कट ऑफ में आपको देखने को मिलेगा हाई कट ऑफ की वजह से, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू एस्पिरेंट्स। और यहीं दोस्तों, आपका आज जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो प्रयागराज निदेशालय गए हैं वैकेंसीज इंक्रीज़ करने के प्रयास में। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आप भी और जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन शायद वो सभी लोग अब निकल चुके होंगे। लेकिन दोस्तों, जितने भी ज़्यादा कैंडिडेट ज़्यादा संख्या में जितने पहुँचेंगे, उतना ज़्यादा दबाव आयोग पर पड़ेगा और शायद आपकी वैकेंसीज इंक्रीज़ हो जाएं। लेकिन दोस्तों, उम्मीद यही है कि अब देखते हैं कितने लोग वहां पर गए हैं और वहां पर उन्हें क्या आश्वासन दिया गया है कि उनकी वैकेंसीज इंक्रीज़ होंगी या फिर नहीं होंगी। अगर दोस्तों हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है आप सभी के लिए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं और इतनी कम वैकेंसीज़ पर काफ़ी ज़्यादा विरोध होने वाला है। तो यहाँ पर देखना ये है कि शाम तक आपको क्या न्यू अपडेट मिलती है। तो जैसे ही वो लोग वापस आते हैं, जैसी अपडेट मिलती है, हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।